कासगंज में नगर कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली हाईवे पर नोवा फैक्ट्री के डीजीएम को कमरे में बंद करके जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जहां शिफ्ट इंचार्ज ने कमरे में बंद करके डीजीएम के साथ जमकर मारपीट की है। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल डीजीएम को इलाज के लिए सीएचसी भेजा। जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र में भिटोना गाँव में नोवा फैक्ट्री के डीजीएम नरसिंह सोमवार सुबह फैक्ट्री के अंदर अपने कमरा नंबर 3 में सो रहे थे। आरोप है कि इस दौरान करीब 7:30 बजे शिफ्ट इंचार्ज राहुल यादव ने तमंचे के बल पर डीजीएम को कमरे में बंद कर लिया और गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट करने लगा, साथ ही तमंचे की बट मार कर उनका सिर फोड़ दिया। वही तहरीर मिलने पर पुलिस ने पीड़ित डीजीएम का मेडिकल कराया, साथ ही आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। घटना यह है कि मैं सुबह 7:30 बजे सो रहा था और राहुल शिफ्ट इंचार्ज आया और मेरे को बंदूक की फर्श में मेरे को मारने लगा और मारपीट के मेरे बंदूक से उन्होंने मेरे सिर फोड़ दिया और फोड़ने के बाद में उसने मेरे को जो है मेरे जो अलमारी खुली हुई थी सुबह में क्योंकि उठा तो उसमें मेरे 21,500 लेकर भाग गया और ये और बोला कि अगर तू अभ्या दर्ज कराता है तो हम तेरे को बाहर जाने से और मारेंगे। क्या आपने पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से शिकायत की है मैंने।